Assalamualaikum class, class 2. We were on chapter number 6, drawing in paint. आज हम ये select tool पढ़ेंगे कि select tool क्या होता है. ये भी एक option है paint software में. अगर हमने कोई image को के छोटे से portion को select करना हो तो वो हम उसको किस तरह select करेंगे. देखिए, अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इस बगैर select किए इतना सा एरिया अभी ये सिलेक्शन की हुई है, ठीक है. हमने ये तो अभी टेक्स्ट का था, या मैंने टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक किया हुआ था, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते. हम इसको किसी तरह भी डिलीट या कुछ भी नहीं कर सकते. हमारे पास ये ऑप्शन है सेलेक्ट की. हमने सेलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक किया. अब हम इसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है. अब आपकी इस वाली स्क्रीन में हमने इसको इतना सा पोर्शन सेलेक्ट किया, और ये देखें इतना सा पोर्शन डिलीट हो गया, राइट. ठीक है. और अगर हमने एक तो ये दे आर सेइंग कि इस तरह अगर हमने थोड़े से इमेज में से कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो हम ये सेलेक्ट टूल यूज़ करते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट दे आर सेइंग टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट द करंटली सिलेक्टेड एरिया, क्लिक इनवर्ट सिलेक्शन. इसी तरह ये देखें कि हम लोगों ने इनवर्ट सिलेक्शन, वो तो हमारे पास आ गया, ठीक है. अब हम इसको फिर सेलेक्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है. कि हम लोग उस पूरे पोर्शन को हम कहीं पे भी सेलेक्ट करके कहीं पे भी हम उसको ड्रैग कर सकते हैं, राइट. नाउ ये हमारे पास ये आ गया. और एक अब हमने ये रेक्टेंगुलर पार्ट को किया कि छोटा सा बॉक्स हम लोगों ने डिलीट किया. और एक हमारे पास ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, वो क्या होती है वो भी मैं आपको क्लास बताती हूँ. अब ये इसको सेलेक्ट करूँगी, ये फ्री फॉर्म, ठीक है. वो क्या है कि हम लोगों ने ऐसे ही कोई भी एरिया को क्लिक किया, और अब हम इसको डिलीट करेंगे तो ये क्लास देखें ये अजीब इरेगुलर पार्ट सा डिलीट हो गया, राइट. ये हमारे पास सेलेक्ट टूल की ऑप्शन थी. अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफायर टूल. कि मैग्नीफायर टूल क्या होता है? मैग्नीफायर, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास शायद देखा हो किसी ने, उसको कहते हैं कि जिसमें कि किसी हम एक पर्टिकुलर पार्ट को जूम इन या जूम आउट करना हो, वो क्या करेंगे. ये हमारे पास ऑप्शन अगेन आ जाती है. ये देखिए क्लास, ये इस तरह का ये मैग्नीफायर है, और हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें एक हमें इतना सा पोर्शन को वो प्रॉपरली नज़र आएगा. ये देखें जितना मर्जी हम उसको, और जब हम उसको वापस करेंगे, राइट. ये हमारे पास मैग्नीफाइंग की ऑप्शन है कि हमने उसको, जैसे हम ये लेट्स पेंट को हमने नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको बड़ा करके किस तरह ये देख के प्रोमिनेंट कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव कलर पिकर टूल. कि हमने जो कलर्स ड्रॉ किए थे, ये हमारे पास जो कि हमने कलर 1 या कलर 2, ये हमारे पास टू ऑप्शंस है, राइट. एक होती है बैकग्राउंड कलर की और एक होती है फोरग्राउंड कलर की. अगर हम इसको लाइक दिस, तो मैग्नीफायर फिर चल रहा था क्लास. क्लास नेक्स्ट वी हैव कलर पिकर टूल. कलर पिकर टूल, ये यहाँ पे टू कलर्स हैं, राइट. एक होता है बैकग्राउंड कलर और एक होता है फोरग्राउंड कलर. अब ये फोरग्राउंड कलर है हमारे पास, राइट. जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखें खुद ब खुद ये कलर्ड बैकग्राउंड कलर बन के आती है, राइट. और अगर हम सिंपल इसको ट्रांसपेरेंट रहने देंगे तो ये इस तरह ड्रॉ होगा, राइट. दिस इज द ऑप्शन ऑफ कलर पिकर टूल.
राइट नाउ क्लास यू हैव टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस राइट एंड एमसीक्यूज योर वर्कशीट्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू क्वेश्चंस आंसर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. This is all today. Allah Hafiz.